समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद अब अपना दल कमीराबादी बसपा के साथ जा सकती है। इस दिशा में दोनों दलों के नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। बीएसपी से समझौते के तहत पार्टी को प्रयागराज या फूलपुर जैसी सीटें मिलने की चर्चाएं हैं। पार्टी ने नए गठबंधन को देखते हुए चुनाव लड़ने के लिए पूर्व घोषित 3 सीटों की सूची को निरस्त कर दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीएसपी से गठबंधन के मुद्दे पर पार्टी नेताओं की बातचीत चल रही है। 1 से 2 दिनों में गठबंधन के तहत चुनाव में जाने का फैसला ले लिया जाएगा। अपना दल कमेरावादी के केंद्रीय कार्यालय सचिव राम स्नेही पटेल ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए घोषित 3 सीटों की सूची को निरस्त कर दिए जाने की जानकारी मीडिया से साझा की है। उन्होंने लिखा कि शीघ्र ही संशोधित सूची जारी की जाएगी। बताया जाता है कि बीएसपी की तरफ से अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को साथ आने का ऑफर मिला है। पल्लवी को प्रयागराज की फूलपुर या इलाहाबाद सीट से गठबंधन के तहत चुनाव लड़ाने की बातें हो रही हैं। बीएसपी के सिंबल पर लड़ना चाहें तो ठीक, यदि वो अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ना चाहती हैं तो बसपा का पूरा समर्थन उनके साथ रहेगा। इसके अलावा यूपी जनवादी पार्टी और अन्य छोटे दलों के नए गठबंधन की तैयारी भी चल रही है। अपना दल कमेरावादी ने इस छोटे गठबंधन के लिए भी दरवाजे खोल रखे हैं। आपको बता दें कि जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के बाद पल्लवी और कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी इंडिया गठबंधन से अलग हो गई है। 2 दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान खुद पुष्टि की थी। अखिलेश ने कहा था कि 2022 में अपना दल कमेरावादी से गठबंधन हुआ था लेकिन अब टूट गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन नहीं है। बुधवार को ही अपना दल कमेरावादी की नेता कृष्णा पटेल ने यूपी की मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सीट से अपना प्रत्याशी उतारने का एक तरफा ऐलान किया था। बताया जाता है कि कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी से 3 सीटें मांग रही थीं। सपा की तरफ से उनकी मांग पर कोई तवज्जो नहीं मिलने पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया गया था। इस बीच बुधवार शाम सपा ने मिर्जापुर से अपना प्रत्याशी भी उतार दिया था।